खातिर अपन भाषा शैली में ओके लिपिबद्ध कहके गीत संगीत के माध्यम से भी आप लोगन अपन कला प्रस्तुत कैले जा। और एक लिए सबसे पहले आयोजक समिति के हम बहुत बहुत धन्यवाद दे के चाहब। और सराल गाँव पालिका के विशेष कहके उत्तरी भेज में थारू समुदाय जहाँ बन जा आज जितिया बड़ो उल्लास पूर्वक आप लोगन मना रहा बन जा। ऐसे आज के उपस्थिति में जौन नृत्य लेके आप लोगन उपस्थित बनानी जा इन्हें अधिकतर देखा तानी जा ज्यादा कहते हैं हमके सुस्ता प्रतापपुर बदघाट और सरावल गाँव पालिका के सहभागिता ज्यादा रहा। और इन्हें कोनो भी कार्यक्रम जब आयोजन कैले तो उन्हें सबसे पहले आर्थिक पाटो के भी बहुत महत्व होला। और आर्थिक संकलन के खातिर जब यहाँ कार्यक्रम आयोजन भेल तो उतनी समय यहाँ से आदरणीय पीताम्बर बुआ और राजेश भाई नारायण जी अनिल जी लगाए के कुछ यहाँ के बौद्धिक जमात कम से कम 8-10 जना युवा लोगन सराव गाँव पालिका में आके अनुरोध कैली जा कि हमन के जितिया पर्व पे हरेक वर्ष कार्यक्रम होता वाला इस वर्ष भी तय करे पल कह के वहाँ लोगन के प्रस्ताव दे के गई जा। तो उस समय हमू कहली कि माने जैसे हरेक वर्ष निरंतर होता वाला वही तरह आप लोगन कार्यक्रम के आयोजन कैल जा गाँव पालिका से सकारात्मक सहयोग रही। और तुरंत यहाँ बोरा 10 बजे से भी फोन पर बात के लिए यहाँ के भी कहने जाते ठीक है हम अपने वहाँ से कुछ आर्थिक सहयोग कद कहते हमारी प्रतिबद्धता जनावे हल जाए। तो आज के कार्यक्रम में जो एक पवित्र भूमि हसनी माता के दरबार पर जो आज कार्यक्रम संचालन हो रहा था वास्तव में इस जगह अपने में एक महत्वपूर्ण जगह बा। यहाँ वनस्पति से लेके यहाँ के जो आयुर्वेद बा एक संरक्षण भर कई बहुत आवश्यकता बा। आज यहाँ के जो फगड़ा समुदाय बा कला संस्कृति के संरक्षण करे के एक बहाना में यहाँ के जो आयुर्वेद बा यहाँ के जो वृक्ष बा पुतंजलि वृक्ष कहल जला एक भी अपन महत्व बा। साथ साथ में ये बौद्धिक प्राचीन कालीन पूर्णिये नगर भी घोषणा हो गए बा। ऐसे हमन के महत्वपूर्ण जगह पर आज कार्यक्रम संचालन कर रहा बानी जा। इन्हीं से जैसे आज के कार्यक्रम जो द्वितीया महोत्सव हमन के अधिकतर सोशल मीडिया में और गीत संगीत में देखते हैं थारू जाति के उठान कैसे गीत संगीत भी बन रहा बा। लेकिन परिणाम सराल गाँव पालिका के वार्ड नंबर 4 में मंगलापुर में जानी वहाँ के समुदाय भीतर भी देखा गया मधेसी महिला लगन जीतिया मनाते हैं। लेकिन इतना यहाँ जितना धूमधाम से वहाँ नहीं देखे मिलल लेकिन वहाँ लोगन के भी जो भावना है वास्तव में वहाँ एक तो जलंधर के भजन टोली कह के आई लग उ भजन के भाव हम का बुझली कि उ भजन में कहत रहा कि जे निसंतान बा ओ अगर जीतिया बैठी तो संतान भी हुई और संतान के दीर्घायु के खातिर हमन के जीतिया पर्व बैठा जला कह के वहाँ के भजन में हम जन एक भाव सुनली। तो ठीक वही तरह यहाँ थारू समुदाय के जीतिया बैठे के जौन उद्देश्य और मधेसी समुदाय में जो जीतिया पर्व मना रहा मन जाए मेन मकसद मेन उद्देश्य आखिर एक ही होता। लेकिन यहाँ जगह जगह अनुसार के ओकर महत्व फरक होला। आज जौन हमन के हसनी माता जी के दरबार में वाणी जा हम एक पुरान इतिहास भी सुन ली कि यहाँ जब आदमी के दुख पड़ला तो हंसत आवला और यहाँ से वापस जा के तो हंसीलो अनुहार लेके जाला हसनी माता को ऐसा आशीर्वाद लगला। और चुनाव के पहले भी जो बैसाख के स्थानीय निर्वाचन होते रहे उससे पहले जब हमार पार्टी हमके जब टिकट लाए देने रहे उससे पहले भी जगह हमारी लड़ी यहाँ हमके नेत नारायण जी ब्या के अकेले नहीं से अनौपचारिक रूप से हमके इस जगह देखा प्राणी का कि सर इस जगह ऐसा बात सराल गाँव पालिका के एकदम महत्वपूर्ण जगह बा एक संरक्षण करे करे यहाँ के समुदाय इस तरह से यहाँ काम कर रहा बा कह के वहाँ से इसे समय में प्रस्ताव रख ले जाए। तब हमके कहते हैं कि भीतर चल के माता जी के आशीर्वाद दे जाए तो हमके पहले पाहा से पूरे एक एरिया घूम के नजदीक आके
माता जी से आशीर्वाद लेके डाली और चुनाव जीतली। चुनाव जीतने के बाद यहाँ के जनता लोग कहते हैं कि सुखाड़ी से चुनाव जीत ली जा, भेंट मुलाकात नहीं होता, आवत नहीं वाली जा। लेकिन एक तो आज जब जीतिया के अवसर पर आप लोग एक तो माहौल बने लीजिए, आप लोग से भेंट घाट करे के अवसर भी प्राप्त कर लीजा। ओकरे लिए आयोजक समिति के विशेष विशेष धन्यवाद दे। और आज हमन के मंच में बैठे बैठे बड़ा दर्द से बात होते रहे कि एक बाउंड्री भी अभी अधूरा बा, बाउंड्री पूरा करे पड़ी, वो हमारे के दायित्व बा। ओकरे बाद ये तो शौचालय और खाने पानी के भी आवश्यक बा। ओकरे लिए भी ओड़ा कार्यालय और गाँव पालिका के तरफ से हमारे के बहुत ही जल्दी आप लोगों के यहाँ बजट छुट्टिया के हमारे के प्रतिबद्धता व्यक्त करे के साथ है जा। ओकरे साथ साथ में यहाँ एक सुंदरीकरण के लिए यहाँ भीतर इंटर प्लग भी बिछा के एक सुंदरीकरण करे पड़ी। और जो आपके भगड़ा गाँव से मंदिर तक आवे के रास्ता बा के भी कागज पत्र करे पड़ी, हमारा सोच हो गई बा। एक खातिर हम के सराल गाँव पालिका से हर हमेशा एक तो सोच बना के आगे बढ़ जाए। और हमारे उद्देश्य है कि इस जगह के विकास बहुत जल्दी हो पड़ी। इन्हें यहाँ के भगड़ा समुदाय आप लोग हर हमेशा संगठित होकर लागल जा। इतना कहते फिर भी जितिया पर्व के अवसर पर संपूर्ण सराल गाँव पालिका वासी ने हार्दिक मंगल में शुभकामना व्यक्त करत। और यह आयोजक समिति के विशेष विशेष धन्यवाद दे। और हसनी माता से विनती करब कि इस भगड़ा समुदाय में हर हमेशा सुख शांति छे। नमस्ते, धन्यवाद।